हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया हेयर बैंड लेके आई हूँ। तो देखिए, ये मोटी ऊन है, कॉटन का ऊन ले लीजिए। और ये 3.5 mm का है, मैं क्रोशिया। तो इसे आप 40 चेन बना लीजिए, बहुत ही इजी बनने वाला है और बहुत ही जल्दी बनता है। न्यू बॉर्न बेबी के लिए है ये। नोट लगा दिए सिंपल, और आप 40 चेन बना लीजिए। तो मैं 40 चेन बनाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी 40 चेन बन गई है। इसके बाद मुझे 4 चेन और बनानी है, 1, 2, 3 और ये 4। इसके बाद ये क्रोशिया बन के 4 में होल बनाना है। तो मुझे 2 चेन बनाइए, 1, 2 डबल क्रोशिया बनाइए, डबल क्रोशिया, 2 चेन और स्लिप स्टिच। तो ये आपका एक फ्लावर की पंखड़ी बन गई। अब दूसरी बनाइए, इसके लिए 2 चेन डबल क्रोशिया बनाइए, 2, एक बन गया, ये दूसरा, फिर 2 चेन, 1, 2 और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दी। फिर से आप 2 चेन बनाइए, 1, 2 और ये इधर स्पेस में बनाइए डबल क्रोश, 1 और ये 2 बन गए। फिर से 2 चेन स्लिप स्टिच, फिर एक डबल क्रोशिया चेन, 2 चेन डबल क्रोशिया, टोटल 5 बनेंगे इसके अंदर। चेन स्लिप स्टिच, ये 4 हो गया। फिर से चेन डबल क्रोशिया, यहाँ पे स्लिप स्टिच। तो देखिए, ये बन गया है एक फ्लावर। अब आपको 2 चेन लीजिए, 4 चेन लीजिए, 1, 2, 3, 4। दूसरा फ्लावर बनाने के लिए फिर से वही करिएगा, इसमें होल बनाइएगा, स्लिप स्टिच करिएगा इस दूसरी वाली चेन में, दो चेन के बाद 4th वाली में ये फूल बन गया। अब फिर से 2 चेन डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 2 चेन स्लिप स्टिच, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन और ये स्लिप स्टिच। फिर से 2 चेन डबल क्रोशिया,
ये दूसरा फ्लावर है हमारा। आप एक भी बना सकते हैं पर मैं इसमें तीन बना रही हूँ। जैसे चेन डबल क्रोशिया दो चेन स्लिप स्टिच, बहुत इजी है फ्रेंड्स। इसे दो चेन और डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स ये दो बन गए हैं, एक और मैं आपको बनाती हूँ उसके बाद बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने देखो तीन फ्लावर बना दिए हैं। आप एक फ्लावर बना के भी बना सकते हैं और तो मुझे तीन में अच्छा लग रहा है। तो अब इसके बाद फिर से 40 चेन बना लीजिए। 1 2 3 40 चेन बन गई। तो देखिए ऐसे ये आपका हेयर बैंड बन के तैयार हो जाएगा। इसे इसे काट दीजिए वैसे। तो देखिए तो है ना फ्रेंड्स कितना इजी है, आसानी से बनने वाला है। आप इसके ऊपर मोती लगा लीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।